नमस्कार, आपका स्वागत है फटाफट खबरों में। आज हम लेकर आए हैं हिमाचल प्रदेश के हर छोटे बड़े शहर की सबसे तेज और ताजा खबरें। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो कहां से देख रही हैं कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइए। जसवा परागपुर से था बिकाऊ विधायकों का चौकीदार, सीएम बोले खोलूंगा होशियार के चिट्ठे। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि 9 बिकाऊ विधायकों का चौकीदार जसवा परागपुर विधानसभा क्षेत्र का विधायक था। भाजपा हाईकमान के दबाव में उसने बिके विधायकों की एक महीने तक चौकीदारी की और घर भी नहीं आया। बिकाऊ विधायकों को दूसरी किस्त पंचकुला के होटल हॉलीडे इन में मिलनी थी, इसलिए भाजपा के राज्यसभा उम्मीदवार को वोट डालने के बाद जल्दबाजी में शिमला से भाग गए। मुख्यमंत्री ने ये बातें डाडा सीबा में लोकसभा उम्मीदवार सतपाल रायजादा के चुनाव प्रचार के लिए आयोजित जनसभा में कहीं। उन्होंने कहा कि इस्तीफा दे चुके देहरा से आजाद विधायक होशियार सिंह का एक एक चिट्ठा खोलूंगा जब चुनाव होगा। उन्हें लोगों के वोट का सौदा नहीं करना चाहिए था। विधायकी से इस्तीफे के साथ ही निर्दलीयों को राजनीति से भी संन्यास ले लेना चाहिए। जिनके सारे काम हो रहे हों वे विधायक 14 महीने में इस्तीफा नहीं देते। बिकाऊ विधायकों का इस्तीफा तो कोर्ट से भी स्वीकार नहीं हुआ। कोर्ट ने कहा कि विधानसभा स्पीकर ने जो पूछा है उसका जवाब। चटक धूप खिलने से मैदानों के साथ तपने लगे पहाड़ी क्षेत्र, नेरी में अधिकतम तापमान 40 के पार। मौसम खुलते ही हिमाचल प्रदेश के मैदानी व कम ऊंचाई वाले क्षेत्रों में अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचने लगा। चटक धूप खिलने से लोगों के पसीने छूट रहे हैं, मैदानी के साथ पहाड़ी क्षेत्र भी तपने लगे। सोमवार को 16 शहरों का अधिकतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस के पार दर्ज किया गया। नेरी का अधिकतम तापमान 40.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जबकि ऊना 39 व धौलाकुआं का अधिकतम तापमान 36.9 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के अनुसार राज्य के मैदानी भागों में 19 और मध्य पर्वतीय भागों में 16 मई तक मौसम साफ रहने के आसार। उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री बोले जयराम ठाकुर मंडी से कंगना रणौत को नहीं जिता पाएंगे। उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने सोमवार को विधानसभा क्षेत्र गगरेट से हो रहे उपचुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी राकेश कालिया के नामांकन पत्र दाखिल करने से पहले आयोजित कार्यक्रम में नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर पर निशाना साधा। उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि 14 मई को प्रदेश में नामांकन पत्र दाखिल करने की अंतिम तिथि समाप्त होने के 2-3 दिन बाद प्रदेश के 3 और विधायक पूर्व विधायक हो जाएंगे। 4 जून को चुनाव परिणाम आने के बाद प्रदेश विधानसभा में कांग्रेस संख्या बल में 40 हो जाएगी और भाजपा 25 रह जाएगी। उच्च शिक्षा नौकरी के लिए विदेश की उड़ान भर रहे युवा, 4 साल में 2.65 के बने पासपोर्ट। उच्च शिक्षा और नौकरी के लिए हिमाचल प्रदेश के युवाओं में भी विदेश जाने का क्रेज साल दर साल बढ़ता जा रहा है। हिमाचल में पिछले 4 वर्ष में पासपोर्ट आवेदकों की संख्या 4 गुना बढ़ी। इसमें ज्यादा संख्या 18 से 40 आयु वर्ग के युवाओं की है। इसमें प्रबंधन कोर्स, कंप्यूटर और अन्य तकनीकी शिक्षा प्राप्त युवाओं की विदेश में जाकर पढ़ाई करने और नौकरी पाने की रुचि बढ़ती जा रही है। पर्यटन के नाम पर विदेश जाने वालों की तादाद सबसे कम है। आंकड़ों के मुताबिक हिमाचल में 2020 से 24 तक 2.65 लाख लोगों के पासपोर्ट बने हैं। मेडिकल कॉलेज टांडा में पहली बार टांग के रास्ते डाला हृदय का वाल। प्रदेश में पहली बार एक व्यक्ति को टांग के रास्ते से हृदय का वाल डाला गया। इस बात की जानकारी देते हुए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद मेडिकल कॉलेज टांडा के प्राचार्य डॉक्टर मेलाप शर्मा ने बताया कि 78 साल के व्यक्ति जिसे चलने के बाद सांस लेने में दिक्कत आ रही थी और छाती में दर्द हो रहा था, गंभीर अवस्था में टांडा जांच के लिए आया। टांडा में डॉक्टर्स की टीम ने पाया कि खून ले जाने वाली धमनी खराब व बंद हो चुकी है। इस उम्र में ओपन हार्ट सर्जरी करना बड़ा खतरनाक था। डॉक्टर मुकुल भटनागर प्रोफेसर एंड हेड ऑफ कार्डियोलॉजी व डॉक्टर अभुदेव शर्मा के नेतृत्व में जांच करके ये निर्णय किया गया कि टांग की एक खून की नली के रास्ते से ऑपरेशन कर हार्ट का खराब वाल बदला जाए, जिसे डॉक्टर की टीम ने बड़ी मेहनत से बदलने में सफलता प्राप्त की। हिमाचल के 2 जिला जज पहुंचे सुप्रीम कोर्ट, कॉलेजियम चयन पर उठाए सवाल, एससी ने एचसी से मांगा जवाब। सुप्रीम कोर्ट ने 2 वरिष्ठतम जिला और सत्र न्यायाधीशों की उस याचिका पर सोमवार हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल से जवाब मांगा, जिसमें आरोप लगाया गया कि उच्च न्यायालय ने उनकी योग्यता और वरिष्ठता पर विचार नहीं किया। न्यायमूर्ति ऋषिकेश राय और न्यायमूर्ति प्रशांत कुमार मिश्रा की पीठ ने 2 जिला और सत्र न्यायाधीशों की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता अरविंद दातार की दलीलों पर ध्यान दिया कि न्यायिक अधिकारियों को उच्च न्यायालय के न्यायाधीश पद के लिए अनुशंसित किया गया था। हिमाचल में अब 30 जून नहीं 13 जुलाई को होगा टीजीटी आर्ट्स मेडिकल का टेट।
हिमाचल प्रदेश के उन छात्रों के लिए बड़ी अपडेट है जो टीजीटी आर्ट्स और टीजीटी मेडिकल की अध्यापक पात्रता परीक्षा देने जा रहे हैं। बता दें कि हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड अब 30 जून को होने वाली टीजीटी आर्ट्स और टीजीटी मेडिकल की अध्यापक पात्रता परीक्षा का आयोजन 13 जुलाई को करेगा। शिक्षा बोर्ड ने यह बदलाव 30 जून को होने वाली एचएएस परीक्षा को देखते हुए लिया। हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड के सचिव डॉक्टर मेजल विशाल शर्मा ने बताया कि शिक्षा बोर्ड ने 30 जून को सुबह 10 से 12:30 बजे तक टीजीटी आर्ट्स और सायंकालीन सत्र में टीजीटी मेडिकल विषय के लिए अध्यापक पात्रता परीक्षा का आयोजन किया जाना निर्धारित किया था। प्रदेश में घटिया दवाओं के सत्यापन उत्पादन की बढ़ती घटनाओं पर कोर्ट चिंतित। हाईकोर्ट ने प्रदेश में घटिया दवाओं के उत्पादन की बढ़ती घटनाओं पर चिंता व्यक्त की। कोर्ट ने इसे रोकने के लिए दोषी दवा निर्माताओं और प्रयोगशालाओं के खिलाफ कड़ी सजा का प्रावधान करने पर विचार करने के आदेश जारी कर दिए हैं। कोर्ट ने कहा कि कुछ ऐसे मामले सामने आए कि अफ्रीकन देशों में हिमाचल प्रदेश में बनाई दवाओं का इस्तेमाल करने से अनेक मौतें हुई। अब समय आ गया है जब नकली दवा निर्माताओं के खिलाफ कड़ी सजा का प्रावधान किया जाए। मुख्य न्यायाधीश एमएस रामचंद्र राव और न्यायाधीश ज्योत्सना रिवाल दुआ की खंडपीठ ने कहा कि ये व्यथित कर देने वाली बात है कि इस बद्दी में दो राज्य दवा प्रयोगशालाओं को चलाने के लिए पर्याप्त धन की व्यवस्था होने के बावजूद उन्हें संचालित नहीं किया जा रहा। यहाँ तक कि एक प्रयोगशाला के लिए भवन का निर्माण केंद्र और राज्य सरकार ने जनता का धन खर्च कर बना। हिमाचल लोकसभा चुनाव में कितनी सीटों पर जीतेगी कांग्रेस, प्रतिभा सिंह ने किया बड़ा दावा। लोकसभा चुनाव के तहत सोमवार को चौथे चरण का मतदान हो रहा है। कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही पार्टी अपनी जीत का दावा कर रही हैं। नेताओं के बीच वार पलटवार का भी दौर जारी है। इन सब के बीच हिमाचल प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष प्रतिभा सिंह का बड़ा बयान सामने आया। हिमाचल प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष प्रतिभा सिंह ने कहा कि हम सभी सीटों पर सुरक्षित हैं और हम दावा करते हैं कि आवश्यक सभी सीटों पर विजय हासिल करेंगे। मुझे नजर आ रहा है कि लोगों के आवभाव से भी और जनता जिस तरीके से मोदी सरकार से रुष्ट है, वोट नहीं देना चाहते, तो इसी संदर्भ में मुझे लगता है कि इस मिशन में सफल होंगे। पूर्व विधायक सुभाष मंगलेट भाजपा में शामिल। चपा से विधायक रहे हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह के हनुमान कहे जाने वाले श्री सुभाष चंद मंगलेट ने आज भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर ली। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जगत प्रकाश नड्डा ने श्री मंगलेट के भाजपा परिवार में आने पर प्रसन्नता व्यक्त की। शिमला के कद्दावर नेता श्री मंगलेट मात्र 28 वर्ष की उम्र में 2003 में पहली बार निर्दलीय विधायक बने थे। श्री मंगलेट शुरू से ही सामाजिक और धार्मिक कार्यों से जुड़े रहे। उन्होंने हिमाचल प्रदेश में 3 धार्मिक आश्रम और प्रदेश से बाहर 1 धार्मिक आश्रम बनवाए जहां श्रद्धालुओं का लगातार आना जाना लगा रहता है। कांग्रेस देश को धकेल रही पुनर्विभाजन की ओर। राजीव बिंदल ने हिमाचल सरकार पर जमकर साधा निशाना। भारतीय जनता पार्टी प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल ने बयान देते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के विकास की लड़ाई लड़ रही हैं, जबकि कांग्रेस के नेता देश के पुनर्विभाजन की लड़ाई लड़ते दिखाई पड़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि देश के अंदर कांग्रेस ने इंडी गठबंधन के रूप में ऐसी पार्टी से समझौता किया है जो लगातार देश विरोधी गतिविधियों के अंदर संलिप्त है। कस्तूरी मृग जंगली बड़ी गिलहरी के अवशेषों के साथ 2 गिरफ्तार। चंबा के जंगलों में मैपल ट्री की चीर में हो रही तस्करी का भांडाफोड़ करने के बाद वन विभाग ने अब वन्य प्राणियों के अवशेषों की तस्करी का बड़ा खुलासा किया। वन विभाग की टीम ने पर्यटन स्थल खजियार में महाराष्ट्र के 2 लोगों को वन्य प्राणियों के अवशेषों के साथ पकड़ा। ये लोग इन्हें सैलानियों और स्थानीय लोगों को मुंह मांगे दामों पर बेच रहे थे। वन विभाग ने इन लोगों से 4 हत्था जोड़ी और जंगली बड़ी गिलहरी के अवशेष बरामद किए। परिवार सहित शिमला घूमने आए पर्यटक की मौत। तमिलनाडु से शिमला घूमने आए एक पर्यटक की मौत का मामला सामने आया। उक्त पर्यटक तमिलनाडु का रहने वाला था और परिवार सहित शिमला घूमने आया था। वो शिमला के मॉल रोड स्थित एक निजी होटल में परिवार के साथ ठहरा था। शाम को होटल में अचानक उसकी तबीयत बिगड़ी और होटल के कर्मचारी व स्टाफ उसे IGMC ले गए, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। पर्यटक की मौत की वजह का अभी तक कोई पता नहीं चल पाया। मृतक की पहचान सुगुमारन 67 वर्षीय पुत्र रामनाथन निवासी तमिलनाडु के रूप में। तो ये थी आज की फटाफट खबरें। हम मिलेंगे अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।